अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ वर्ब, तो आप क्या बोलोगे? बचपन में आपने एक डेफिनेशन सीखा होगा कि डूइंग वर्ड्स, डूइंग या एक्शन वर्ड्स, ये सीखा है ना, डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब. ओके, जो भी वर्ड से किसी क्रिया का बोध हो, जो भी वर्ड से कोई एक्शन का पता चले, उसको हम वर्ब बोलते हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन आपका सही है, बट ये बचपन वाला है, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. ज़रूरी नहीं है ना कि वर्ब से सिर्फ एक्शन का ही पता चले, क्योंकि कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन नहीं बताता है, बट फिर भी वो क्रिया है. तो वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता है, वर्ब्स वो वर्ड होते हैं ना जो एक्शन भी बताता है, साथ में स्टेट भी बताता है. और वर्ब हम पोजेशन, मालिकाना अधिकार बताने के लिए भी यूज करते हैं. अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो वर्ब होता क्या है? सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है. ओके, सब्जेक्ट और वर्ब ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, जहाँ तुम रहोगी वहाँ मैं रहूँगा. तो वर्ब किसके बारे में बताता है? वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है. क्या बताता है? कि सब्जेक्ट ने क्या किया, या सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया, या सब्जेक्ट क्या पोजेस कर रहा है, या सब्जेक्ट का स्टेट क्या है. तो वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता है, वर्ब अवस्था या मालिकाना अधिकार पोजेशन भी बता सकता है. ठीक है, तो यहीं पे मैंने ये डेफिनेशन डाला है. व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट. वर्ब वो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन. इसका मतलब क्या है कि वर्ब नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है. और दूसरा आपके दिमाग में आया कि वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? बताता है व्हाट अ सब्जेक्ट डज. सब्जेक्ट क्या करता है, या सब्जेक्ट के साथ क्या होता है. जैसे आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा ना, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं. तो एक्टिव में तो सब्जेक्ट खुद काम करता है, लेकिन पैसिव में ना सब्जेक्ट खुद काम नहीं किया जाता है, करता है सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है. तो ये तो एक्शन बताता है. एक तो वर्ब एक्शन बताता है, सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया या सब्जेक्ट पर क्या एक्शन हुआ, दोनों वे में एक्शन ही बताता है. और दूसरा वर्ब क्या बताता है? वर्ब ये भी बताता है कि व्हाट अ सब्जेक्ट इज, स्टेट बताता है, और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. और साथ में वर्ब पोजेशन भी बताता है. ठीक है, पोजेशन भी बताता है. सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिखा. देखो, मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम. हम लोग क्या करेंगे ना, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते जाएंगे. हर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ना हम लोग देखेंगे कि उस पर बेस्ड एरर कैसा आता है, क्योंकि मेन तो हमें एरर डिटेक्ट करना. ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम. फिर मैंने लिखा ही हैज अ बुक. और दूसरा मैंने लिखा ही इज अनवेल. ओके, चलो अब आज वर्ब मैम पूरा पढ़ाइएगा. एक दिन में कहाँ से पूरा पढ़ लोगे? वर्ब अभी टाइम लगने वाला है, वर्ब टाइम लगने वाला चैप्टर है. अब मुझे बताओ कि यहाँ गोज वर्ब है, हम वर्ब का टाइप्स बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हमने क्या पढ़ा? वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया गया उसके बारे में बताता है, पोजेशन बताता है. ये भी वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है. ये कहना ना कि वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. वर्ब में हमेशा एक्शन नहीं बताता. देखो, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे एक्शन बताया जा रहा है. यहाँ जो वर्ब है वो एक्शन बता रहा है. बट ही हैज अ बुक में, कहीं से भी उसके पास एक बुक है, तो यहाँ पे कहीं भी एक्शन नहीं बताया जा रहा ना, यहाँ पे पोजेशन बताया जा रहा है. उसके पास क्या है? व्हाट डज ही पोजेस? वो किसका मालिक है? बुक का, बुक उसकी है. तो यहाँ पे पोजेशन और ओनरशिप बता रहा है. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट ऊपर वाले में एक्शन हो रहा था. ओके, दूसरा वाला ही इज अनवेल. अनवेल क्या है? चलो मुझे बताओ, अब बताओ कि ये अनवेल क्या है. ये अनवेल ही की विशेषता बता रहा है, और ही प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं. तो यहाँ का इज जो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही, यहाँ पे स्टेट बताया जा रहा है. स्टेट स्टेट स्टेट